तो दोस्तों, अगर आप एक डाइकिन का एसी खरीदने के लिए सोच रहे हो या फिर खरीद चुके हो और आपके घर में इंस्टॉलेशन होना है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा डाइकिन का सर्विस कैसा है, कैसे इंस्टॉल करता है ये लोग, और आपको दिखाऊंगा कि एसी के साथ साथ बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या आपको एक्स्ट्रा खरीदना होगा, उसका चार्जेस क्या है, और आप कैसे सबसे मैक्सिमम पैसा सेव कर सकते हो इंस्टॉलेशन में, क्योंकि डाइकिन कंपनी जो है इंस्टॉलेशन में उनके कस्टमर से बहुत ही ज़्यादा पैसा लेता है। ठीक है, आपको अगर पता नहीं होगा तो 4-5 हज़ार रुपया जो है ऐसे ही चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, पर इस वीडियो का अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको पता सब कुछ पता चल जाएगा, तो आपका पैसा जो है सबसे ज़्यादा सेव कर सकते हो। तो वीडियो को एकदम भी स्किप मत करना, पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर इंस्टॉलेशन होना है आपके घर में तो ज़रूर देखना। सबसे पहले पैसा आप सेव कर सकते हो ऐसा करके कि आपका जो एसी के साथ कॉपर पाइप आता है 3 मीटर का, उसके रेंज में ही आपका इंडोर टू आउटडोर यूनिट इंस्टॉल हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैं लगा रहा हूँ, मेरा जो इंडोर यूनिट का आउटडोर यूनिट का डिस्टेंस है वो 3 मीटर के पाइप के अंदर ही हो जा रहा है। जो रूम है रूम के ऊपर ही छत है, छत में मैं आउटडोर यूनिट को लगा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, और इसमें आपका पैसा भी बचेगा और आपका एसी का जो रेफ्रिजरेशन फ्लो है उसमें भी बहुत ही कम डिस्टेंस लगेगा, तो कूलिंग बहुत ही बढ़िया होगा, कम से कम मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे। तो बॉक्स में इंडोर टू आउटडोर को कनेक्ट करने वाला जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो आपको देखने को मिलता है सिर्फ, पर जो एसी को पावर देगा आपका जो 3-3 प्लग होगा, वो प्लग से आपका इंडोर में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, सभी कनेक्शन आउटडोर में होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा होगा, तो सिर्फ कंपनी आपको बॉक्स में इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन वायर देता है, पर आउटडोर टू इंडोर में जो मतलब जो मेन जो लाइन रहता है जिससे आपको पावर मिलेगा एसी को आपके घर से, तो वो वाला वायर जो है नहीं मिलता देता है, और उसके साथ ये भी नहीं देता है, 3-pin प्लग भी नहीं देता है। तो आपको प्लग खरीदना है और ये इंडोर टू आउटडोर आउटडोर टू इंडोर में जो ये होता है प्लग के साथ कनेक्ट करने वाला वायर, वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप टेक्नीशियन से मत खरीदो, उनका प्राइस बहुत ही हाई है, मैं आपको एक PDF दे दूंगा और स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि कितना प्राइस लेता है ये लोग, बहुत ही ज़्यादा है। तो आप जब आपका घर में एसी आ जाए उसका इंस्टॉलेशन से पहले अब इनको मतलब ये जो वायर है और 3-pin प्लग है आपको खरीद लेना है मार्केट से, तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो आगे मैं आपको और भी बताऊँगा क्या क्या चीज़ आपको खरीदना है, सब कुछ लिस्ट आपको दे दूँगा, अगर आप पहले से खरीद लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा सेव हो जाएगा। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो टेक्नीशियन ये इंडोर टू आउटडोर का पाइप का जो कनेक्शन किया है उसमें कोई भी लीकेज है कि नहीं ये चेक कर रहा है। आपको भी ध्यान रखना है कि टैपकट जो घर पे टेक्नीशियन आएगा उसको भी ये करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं करेगा तो ये आपका लीकेज हो सकता है, वो गैस लीक हो सकता है। ठीक है, तो आपको ज़रूर करवाना है, और इसके साथ साथ आपको वाटर डेनिस का जो पाइप होता है वो एसी इंस्टॉलेशन के बाद जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो पानी डाल के चेक करना है कि बाहर की तरफ वो पानी पूरा निकल जा रहा है कि नहीं, अगर निकल जा रहा है तो सही है एकदम। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट आपको ज़रूर करवाना है। ठीक है, तो इंडोर का इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी बारी है आउटडोर का। ठीक है, तो आउटडोर को आप जैसे कि देख सकते हो ये लोग लेके पूरा जा रहा है, लेके जाके ये आप मेरा जो मैं आपको पहले जो बताया ये छत पे इंस्टॉल करेगा, जो कंपनी 3 मीटर कॉपर पाइप देता है उसका रेंज में ही इंस्टॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, और आपको कोशिश करना है कि आपका जो आउटडोर यूनिट है वो ऐसी जगह आप लगवाओ, अगर पॉसिबल होगा तो आपके घर में ऐसी जगह जहाँ पे शेड हो, छाया हो, ताकि इंडोर यूनिट पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये अगर आपके घर में ऐसे प्लेस है तो आप ज़रूर लगवाओ, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसी में डायरेक्ट जो धूप है वो सनलाइट नहीं लगेगा, तो इसी का आउटडोर कम गर्म होगा तो कंप्रेसर पे लोड कम आएगा, वो आपका सीधा सीधा बिजली का बिल में फर्क आएगा। ठीक है, और एक बात कि आपका आउटडोर यूनिट का जो ये है आप ऐसी जगह लगवाओ ताकि आपका जो बाद में क्लीन कर सको आप बड़ी बड़ी आसानी से, उसका जो पीछे फिन होता है ना उसको आपको रेगुलर क्लीन करना होगा, अगर क्लीन नहीं करोगे तो ये उसमें धूल जम जाएगा, धूल मिट्टी, और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा और आपका एसी का लाइफ भी डाउन हो जाएगा। तो आपको ऐसी जगह का लगवाना है जहाँ पर धूप ना हो ज़्यादा और आपका आसानी से हाथ पहुँच जाए
आप उसको क्लीन कर सको, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आउटडोर यूनिट के साथ आप देख सकते हो ये जो तार है, कंपनी प्रोवाइड करते हैं आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन के लिए, ये तार जो है ये सिर्फ एक ही तार प्रोवाइड करता है, पर आउटडोर से इंडोर में जाने के लिए और एक तार होता है जो मेन पावर देता है आपके घर से, घर का इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो वाला तार आपको ख़रीदना होगा बाहर से, ठीक है। इनके पास से मत खरीदो क्योंकि इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो तार आपको दे रहा है कंपनी, जब आपके घर पे एसी आ जाएगा डिलीवरी के बाद, आप ये तार को लेके आपके घर नियर बाय किसी भी इलेक्ट्रीशियन के पास जा सकते हो, शॉप में इसको उनको ये तार दिखाओगे तो वो ऐसा ही और एक इतना ही लंबा तार वो लोग भी प्रोवाइड कर देगा आपको बहुत ही सस्ते में, ठीक है। और आपको हमेशा ये जो कॉपर पाइप का जो कनेक्शन होगा इसके ऊपर जो विनाइल टेपिंग है वो करवाना है, जो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये वाला टेप होता है, ये टेप आपको ख़रीदना होगा, कंपनी प्रोवाइड नहीं करता है ये, आपको बाहर भी कभी नहीं मिलेगा, ये आपको कंपनी से लेना ही होगा, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिए और पूरा जो इंडोर टू आउटडोर का बाहर में जो कॉपर पाइप और जो वायर रहता है उनके ऊपर जो ये टेपिंग होना चाहिए, अगर टेपिंग होगा तो ये आपका धूल मिट्टी और बारिश से आपका कॉपर पाइप को प्रोटेक्ट करेगा, जल्दी लीकेज नहीं होगा, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे ये लोग कर रहा है ये टेपिंग, तो ऐसा ही आपको करवा लेना है, ये मस्ट है, आपको करवाना ही होगा। बहुत टेक्नीशियन आपको आपके पास आएगा, वो बोलेगा अगर टाइम नहीं होगा तो बोलेगा नहीं मत करवाओ, पर आपको करवाना ही होगा। अगर नहीं करता है तो उनको आप इंस्टॉलेशन के लिए कोड, जो कंप्लीट कोड होता है ना, वो मत दो, ठीक है। एंड में आपको रेफ्रिजरेंट पाइप में पक्का आपको ये मतलब वैक्यूम करवाना है रेफ्रिजरेंट चालू करने से पहले, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जैसे ही इंडोर में आप साबुन और स्पॉन्ज लेके वो लोग लीकेज टेस्ट कर रहे थे, ऐसा ही आउटडोर में जो जहाँ पे ये लोग को मतलब ये कॉपर पाइप का कनेक्शन किया है उसमें भी आपको सेम स्पॉन्ज से जो है लीकेज टेस्ट करवाना होगा, ये इम्पोर्टेंट है इंडोर में और आउटडोर में। तो आपको बॉक्स में रिमोट के साथ साथ ये कुछ दोनों फिल्टर देखने को मिलता है, ये जो दो फिल्टर है ये इंडोर का बीच में लग जाएगा। तो आप देख सकते हो एसी को मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन करके चेक करना होगा कि ये सही चल रहा है कि नहीं। तो ये लोग जितना देर अभी बिल बनाएगा, क्या 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 लगाया है, सब कुछ का बिल बनाएगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा बिल कितना आया है, उसका प्राइस कितना आया है सब कुछ का। तो उतना देर ही ये एसी को ऑन करके रखेगा फुल स्पीड में, तो इसमें चेक हो जाएगा कि एसी पूरा ठीक से चल रहा है कि नहीं। अगर कुछ इशू होगा तो ये लोग फिर से ठीक करेगा, अगर उसी दिन ना हो पाएगा तो नेक्स्ट दिन आके ठीक कर देगा, ठीक है। एसी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं ये चेक करने के बाद आप लोग ज़रूर चेक करवाओ कि आपका जो प्लग है वो जिसमें एसी लगा हुआ है उधर ये लोग एक वोल्ट मीटर लाता है, तो वोल्ट मीटर से लगा के जैसे कि देख सकते हो वोल्टेज आपके घर में कितना फ्लक्चुएट होता है ये चेक कर लेगा, ठीक है। उसका आपको वीडियो बना लेना है या फिर आप देख भी सकते हो कि अगर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन हो रहा है आपके घर में तो आपको डे वन से या फिर कुछ दिन बाद, दो तीन दिन बाद ही आपको एक स्टेबलाइजर आपके एसी के साथ लगवा लेना है। अगर ज़्यादा वोल्टेज स्टेबल अप डाउन नहीं हो रहा है तो आप 5 ईयर का पीसीबी का वारंटी है, आप बाद में किसी भी साल में लगा सकते हो, 2-3 साल बाद या फिर 1 साल बाद आपके हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। और आप बिल देख सकते हो, आप स्क्रीन में पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और देख सकते हो पूरा मैं दिखा दिया हूँ कि कितना बिल आया है, क्या क्या चीज़ लगाया है, उसका प्राइस कितना आया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्राइस आपको मांग सकता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है डाइकिन कंपनी क्या क्या चीज़ का क्या क्या रेट लेता है सब कुछ दे देता है पहले से ही। तो आपके मेल में आप जब ऐसे खरीदोगे तो आपके मेल में ऐसे ही आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उधर से भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्राइस पे करना, ज़्यादा मत पे करना, ये लोग ज़्यादा मांगता है पर आपको नहीं देना है, ठीक है। ये लोग गैस चार्ज का भी मेरे पास आया था, गैस चार्जिंग का भी, गैस का जो वैक्यूम है डालने से पहले उसका भी प्राइस मांग रहा था, पर मैंने जब उनको बोला कि डाइकिन देखो ये फ्री बोल रहा है पीडीएफ में, आप लोग क्यों चार्ज कर रहे हो, तो वो लोग मान गया और नहीं लिया। अगर नहीं आप दिखाओगे तो आपको आपके पास से पैसा चला जाएगा, ठीक है। और आपको मैं जैसे पहले ही बताया जो जो चीज़ आपको ख़रीदना है बाहर से वो आप खरीद लो, इनसे मत खरीदो, तो आपका बहुत ही पैसा सेव हो जाएगा।
तो अगर आप भूल गए होंगे कि होंगे कि क्या क्या चीज़ आपको ख़रीदना होगा तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करो, मैं उधर लिख दिया हूँ क्या क्या आपको ख़रीदना होगा, तो आप उधर जाके देख के खरीद लोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा पैसा सेव हो जाएगा। और अगर आप एसी नहीं ख़रीदे हो अभी तक, आप ख़रीदने वाले हो, सोच रहे हो ख़रीदने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसी का बाइंग लिंक भी दिया गया है, आप उधर जाके बाई कर सकते हो, आपका तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा पर मेरे इस सालन के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसी बाई करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ही बाई करना। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो कि आपको इस इसी रिलेटेड क्या क्या वीडियो देखना है, और तो ज़्यादा अगर कमेंट आएगा तो जिस टॉपिक के रिलेटेड उस टॉपिक को मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए।